हाय दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इंटरनेट जनरेशन चैनल पे, मतलब आईजी प्रिंटर रायपुर छत्तीसगढ़ पे। तो आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम उसको काम किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने किया तो शायद आपको भी मैं सिखाऊँ जैसे कि आपके काम आ सके। तो हमने आज फोटो फ्रेम 18x24 इंच का, मतलब 1.5x2 फीट का हम फोटो फ्रेम तैयार कर रहे हैं, जिसे प्रिंटिंग में हम करके दिखाएंगे किस प्रकार से हम प्रिंटिंग किए और किस प्रकार से इस फोटो फ्रेम में हमने ऐड किया। ये है हमारा जो फोटो फ्रेम। तो दोस्तों ये देखिए हम ये किस प्रकार से बनाए हैं, आज आपको विस्तार में बताएंगे कि ये जो हमने फोटो फ्रेम जो तैयार किया है ये आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं। ये 1.5x2 फीट का है, मतलब 18x24 इंच का। तो ये हम कैसे बनाए हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको प्रिंटिंग से लेके आपको फ्रेम में इसको कंपोज करना, मतलब फ्रेम में इसको लगा के पूरा तैयार करके हम दिखाएंगे किस प्रकार से हमने किया। तो ये पूरा प्रोसेस अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले मैं बोलूँगा कि जो अभी नए सब्सक्राइबर भाई लोग आए हैं, जो मेरे नए व्यूवर्स भाई लोग आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और हमेशा हम सबको नया वीडियो दिखाते हैं, नए काम करने तरीका बताते हैं। हम किसी से एक रुपए नहीं लेते, बट हम चाहते हैं कि आप भी हमारा वीडियो शेयर करें ताकि किसी के ना किसी ये वीडियो काम आए और वो भी हमारे इस वीडियो से अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और आप चलते हैं हम वीडियो पे पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं कि प्रिंट, क्योंकि ये प्रिंटिंग निकलने में टाइम लग जाता, थोड़ी देर पहले हमने आपको जैसा दिखाया था आप देख सकते थे। उसके बाद हम बोले कि लंबा वीडियो ना हो जा करके आपके लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये विनाइल प्रिंटिंग मशीन है जिसमें विनाइल प्रिंटिंग होता है। तो हमने ग्लोजी फोटो विनाइल प्रिंटिंग मीडिया पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें ग्लोजी विनाइल प्रिंटिंग मीडिया पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। ये एक्चुअल में एकदम ग्लोजी पेपर से भी ज़्यादा एडवांस आता है। आपको कोई फ़ोटो अगर बड़ा बनाना है तो कोई लैब वैब से प्रिंट मत कराएं, किसी भी फ्लैक्स दुकान जाइए और वहाँ बोलिएगा विनाइल प्रिंटिंग कराना है। विनाइल नॉर्मल फ्लैक्स मशीन नहीं है, ये विनाइल प्रिंटिंग मशीन है। तो फ्लैक्स मशीन अलग होता है, विनाइल प्रिंटिंग अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा विनाइल प्रिंटिंग मशीन से ही कराएं ताकि आपको प्रिंट इतनी ज़्यादा क्वालिटी मिले। तो आप जितना फिट का चाहो उतने फिट का प्रिंट करके आप लोगों को दे सकते हो, ठीक है। तो आपके शहर में सर क्या कॉस्ट पड़ता है वो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं आपको खाली प्रिंटिंग प्रोसेस दिखा सकता हूँ, रेट में आपको इसका नहीं बता सकता क्योंकि हर जगह इसका रेट कॉस्ट अलग होता है। अब मेरी मशीन का रेट कॉस्ट मैं अलग देता हूँ, दूसरे मशीन का अलग देता हूँ, तो इसलिए मैं कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ क्या कॉस्ट पड़ रहा है वो क्या कॉस्ट पड़ रहा है। सबका अपना अपना कॉस्ट होता है। तो आप अपने सिटी में बता करिए, जो आपके फ्रेंड सर्कल जिनके पास मशीन हो उनसे आप बात कीजिए आपको क्या रेट में देंगे। तो ये देखिए हमारा प्रिंट निकल गया, बस थोड़ा सा और बचा है। तो ये प्रिंट के बाद हम आगे का प्रोसेस फ्रेम करने पे जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो गया। हमारे 6 फ़ोटो निकल गए 18x24 के। तो ये देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा आ गया। देखिए हमने फ़ोटो को कटिंग कर लिए हैं अलग अलग टुकड़े में। तो अभी थोड़ा कैमरा सेट करें, कहीं पर कैमरा रखते हैं उस समय तो मैंने हाथ पकड़ा था। तो अभी इसको हम भी फास्ट फॉरवर्ड टपको दिखाएंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो हम जल्दी जल्दी इसको फ़ोटो कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है सारे फ़ोटो को अलग हम काट काट के रख लें ताकि हमको फ़ोटो फ्रेम करते समय थोड़ा बहुत छटाई बोलते जो उसको कटिंग थोड़ा बहुत मैनेज करना, जो कटिंग करना है उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमको जितना सुविधा हो पहले फ़ोटो छोटा छोटा करके रख लें क्योंकि एक एक फ़ोटो पे भी फिनिशिंग देने बैठोगे बहुत टाइम लग जाता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहले आप 6 भाग में फ़ोटो अपना अलग कर लो, फिर एक एक करके फ़ोटो की कॉर्नर पूरा मिला लीजिए क्योंकि इकट्ठा आप काटने बैठोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप पहले सारे 6 फ़ोटो को आप पहले फिनिशिंग देके निकाल लें, फिर आप फ़ोटो फ्रेम की बारी आएगी
तो हम सबसे पहले अभी काम कर रहे हैं, हम पहले सारे अपने 6 फोटो को कटिंग करके इक्वल रख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने फ़ोटो अभी तक ये जिस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से आप भी चारों कोने से बराबर कर दें ताकि आपका भी काम इजी हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, देख सकते हैं आप फ़ोटो क्वालिटी भी, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी, कितनी जबरदस्त चमक है और इसकी प्रिंट कभी ख़राब नहीं होगी, है ना। ख़राब तो हर चीज़ होना है बट मैं बोलता हूँ इसकी प्रिंट कभी ख़राब नहीं होगी। अभी यहाँ पर आ गए हम, अब फ़ोटो फ्रेम लेते हैं। तो हमारा पहला फ़ोटो फ्रेम उठा ली हमने, तो ये देखिए झिल्ली ऐसा पैक होकर आता है, उसी प्रकार से झिल्ली खोलिए निकालिए। और ये बहुत बड़ा फ्रेम है, थोड़ा नाजुक भी होता है, तो संभाल के कीजिएगा। और ये मैं अपनी नाखून से कर रहा हूँ, इसका मतलब नाखून मत करिएगा क्योंकि मुझे भी कई जगह लग जाता है नाखून से खोलते खोलते। अगर आपका आदत है खोलने का, फ़ोटो फ्रेम हम खोल सकते हैं नाखून से, तो खोलिएगा, वरना आप पेचकस से माइनस वाले स्क्रू ड्राइवर से आप इसको करिए। देखिए अभी अपने नाप लिया तो कितना बड़ा कितना छोटा, उसके करने बाद हम इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ से देखो मिला रहे हैं, अब इतना हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग हम चारों तरफ से करेंगे ताकि एक तरफ से कटिंग करने पे एक तरफ फ़ोटो ना भग जाए, तो बराबर हम चारों तरफ से कटिंग करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। और हमको लगेगा तो और कटिंग करना है तो अभी और कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो 3 जगह से मिला के इसको रख के देख रहे हैं, फिर भी हमें ऊपर भी उड़ाना पड़ेगा, तो हम ऊपर भी उड़ा लेते हैं प्रिंटिंग। अब साइड से थोड़ा सा हल्का सा कम कर लेते हैं ताकि फ़ोटो हमारा फ्रेम में बराबर बैठ जाए। तो ये हमारा हो गया इधर थोड़ा, तो हमारा क्लिप चेक कर लेते हैं, क्लिप बराबर ना ऊपर ही जा रहा ना, तो ये हम देख लेते हैं और इसको हम फिटिंग कर देंगे। देखिए जल्दी जल्दी हम फिटिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको ये फ़ोटो दिखाते हैं किस प्रकार से बना। देखिए ये देखिए कैसे लगा फ़ोटो। तो ये हम इस प्रकार से, ये महाराजा फ़ोटो फ्रेम है, फ्रेम का नाम है महाराजा। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना सर आप किस मीडिया में प्रिंट कर रहे हो, तो मैंने बता दिया कि ये फ़ोटो विनाइल मीडिया है जो कि ग्लॉस पेपर है, ठीक है, स्टिकर शीट है, ये भी बता देता हूँ। और ये विनाइल प्रिंटिंग ही होता है विनाइल मशीन पे। और उसके बाद ये महाराजा फ्रेम है, तो ये 18x24 का फ्रेम है, खाली ग्लास 18x24 का है जिसमें फ़ोटो बराबर बैठा है। उसके बाद बाकी आप देखेंगे एक एक दो दो इंच आपका, ये बता रहा हूँ आपको, ये करीबन 1.5 इंच, 1.5 इंच राइट, 1.5 इंच लेफ्ट और 1.5 इंच हाइट, 1.5 इंच डाउन में इसका है, तो 1.5-3 इंच, तब 3, ये आपका 21 इंच बाई उधर 24+3 आपका हो गया 27, 21x27 फ्रेम की एक्चुअल साइज है, मगर उसमें 18x24 लगता है। तो ये देख सकते हैं हमको हर एक फ़ोटो को मेजरमेंट करके करना है, अंदाज में नहीं करना है। अंदाज में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि फ़ोटो फ्रेम में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 21-20 रहता है, जो भी रहता है। तो आपसे यही विनती रहेगी कि जब भी आप करें, आप एक एक फ़ोटो को उसमें रख रख के आप उससे कटिंग करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए काम ख़राब होगा दोबारा वही मेहनत करना पड़ेगा, उससे अच्छा काम ना ख़राब करें और अपना फ़ोटो बराबर, एक एक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट फ़ोटो मिला के आप करें। देखिए ये भी हम फ्रेम कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हमने इसको ही फ्रेम कर लिया और हम बकायदा एक ठो फ़ोटो लगा रहे हैं, पहले फ्रेम खोल रहे हैं, उस फ्रेम को उस प्रकार से खोल के फ़ोटो मिला के, फ़ोटो कटिंग करके फ्रेम में लगा के वापस फ्रेम पैक करने के लिए हम बकायदा उसी प्रकार से झिल्ली में रख के टाइपिंग करके रख दे रहे हैं, ताकि हमें एक साथ लगा के रखने में कोई वो ना हो और फ्रेमिंग में कोई स्क्रैच ना आए, कुछ ना आए, क्योंकि इतनी महंगी फ्रेम है ये। अब आप लोग पूछोगे रेट क्या है, तो फिर मैं बता देता हूँ, मेरे यहाँ रेट अलग है, आपके शहर में अलग रेट रहेगा। तो कृपया करके आप अपने फ़ोटो फ्रेम जो बेचते हैं उनसे जाके रेट पूछें, क्योंकि मैं आपको रेट दे दूँ आप बोलेंगे सर आपके तरफ तो इतने में, हमारे तरफ इतने में, तो उस परेशानी से बचिए। आपकी सिटी में जाइए, अगर आप किसी रूरल इलाके से हैं तो आप थोड़ी बड़ी सिटी, अपने मेन सिटी में जाइए, मेन सिटी में आप फ़ोटो फ्रेम वाले से बात कीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। कई जगह होता है कि हमारे यहाँ जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में लोग उड़ीसा से लेने आते हैं, क्योंकि उड़ीसा में नहीं मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको आपके शहर में ही मिल रहा है तो आप दूसरे शहर में आपको जाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, तो जब ना मिले तब की बात अलग है। मगर फर्स्ट टाइम ये होता है कि आप अपने शहर में पता करें कि आपके शहर में फ़ोटो फ्रेम कहाँ हो जाता है, कहाँ विनाइल प्रिंटिंग वाली शॉप है जिससे हम विनाइल प्रिंटिंग करा सकें। तो ये सब क्लियर ध्यान रखिए, और फ़ोटो फ्रेम इतनी महंगी आती है तो आप आराम से काम करें,
ग्लास बहुत सॉफ्ट रहता है क्योंकि सब मेड इन चाइना रहता है। ठीक है, तो आप काम अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपके हमेशा सपोर्ट में खड़ा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो पीछे है ये स्टिकर शीट्स है, आपका ग्लॉसी विनाइल प्रिंटिंग पेपर है, तो आप इसको प्रिंटिंग कराइए किसी भी फ्लैक्स वाले शॉप में, बस उसे बता दीजिएगा मुझे विनाइल प्रिंटिंग ही चाहिए, फ्लैक्स मशीन से ना करें, विनाइल मशीन से करें, क्योंकि मशीन बहुत प्रकार से आती है, फ्लैक्स मशीन आती है, विनाइल मशीन आती है, यूवी मशीन आती है, तो और प्लॉटर भी आती है, तो मैं बता रहा हूँ जो ये अभी प्रिंटिंग हुई है ये विनाइल मशीन से हुई है, तो क्लियर ज़रूर कर लें कि वो कहीं प्लॉटर से तो नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि एप्सन का भी प्लॉटर आता है, कैनन का भी प्लॉटर आता है, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, और फ्लैक्स में वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, यूवी में नहीं मिलेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ होती है विनाइल मशीन में होती है। अब आप भी सोच रहे हो कि यूवी विनाइल फ्लैक्स प्लॉटर ये सब बता रहे हैं क्या क्या रीज़न है, तो यूवी जो होती है वो आप स्टोन पे, आयरन फ्रेम पे, टीन पे, वुड पे, सब जगह प्रिंट कर सकते हो, वो यूवी मशीन है। फ्लैक्स मशीन आप जानती हैं, फ्लैक्स जैसा होता है बैनर वनर उसके लिए मशीन होती है, प्लॉटर जो मशीन होती है नॉर्मली शॉप में होती है फोटो स्टेशनरी में, कि वो किसी का बड़ा हुआ सब प्रिंट निकाल के दे रहे हैं, मैप ऐप सब, तो ये तीन मशीन में कभी ये क्वालिटी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर ग्लॉस विनाइल प्रिंटिंग करें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये सिर्फ उसी मशीन में होगी, विनाइल मशीन में, तो विनाइल मशीन प्रिंट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं हम ये फोटो आपको दिखा रहे हैं, एक है ना, दो और ये तीन, जो हमने फ्रेमिंग कर करके रखा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम चार, तो हम जितने भी हम बनाते गए और रखते गए आपको पूरा बताया गया, पांच और ये छः, छः फोटो आप देख सकते हैं हमने इतना अच्छा बना के रखा, सॉरी ये छः तो हमने बना के रखा, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं सब चीज़ बढ़िया है, तो आप ये सब बनाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरी वीडियो पे और भी आगे देखिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।